हाय दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि लेह लद्दाख की राइड्स जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। एंड आप में से कोई ना कोई तो प्लान कर रहा होगा लेह लद्दाख जाने का इस ईयर में। तो दोस्तों, ये प्लानिंग को इजी करने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आपका बजट क्या होगा दोस्तों वो कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ रूट प्लान कौन सा रहेगा और आपका नंबर ऑफ डेज कितना रहना चाहिए, क्या प्रिपरेशन है, क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, ये सारी कंप्लीट डिटेल जो है ना इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो चाहे आप स्पीति लाहौल जा रहे हो, चाहे लेह लद्दाख जा रहे हो, सेम जो है आप प्लान जो है फॉलो कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली या फिर कलीग में से भी कोई जा रहा है लेह लद्दाख तो उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए टाइम टाइम आ सके एंड आगे के एपिसोड जो हैं आप टाइम टाइम देख सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले मेन चीज़ से, जो कि है रूट प्लान। दोस्तों, रूट प्लान पे ही जो है आपका बजट जो है, प्रिपरेशन जो है, वो सब जो है डिपेंड करता है। तो पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है रूट प्लान। दोस्तों, जो नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा रूट जो फॉलो किए जाते हैं वो दो रूट हैं लेह लद्दाख ट्रिप के लिए। पहला जो रूट आता है जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है मनाली जिस्पा सरचू लेह वाला रूट। दोस्तों, ये जो रूट है इसमें आपको हाइएस्ट पासिस मिल जाते हैं, जो कि है जैसे कि बारालाचा ला, तांगलांग ले और लाचंग ला, ये सब जो पासेस है ना, हाईएस्ट पासेस आपको मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है ब्यूटीफुल रूट है एंड मैंने जो है यही रूट किया होता है, इसलिए मैं इस रूट को रिकमेंड भी करता हूँ, बिकॉज इसमें आपको अच्छी रोड्स भी मिलती हैं, चैलेंजिंग मिलती हैं एंड इस रोड पर आप कभी भी बोर जो है वो नहीं हो सकते। एंड दोस्तों, दूसरा जो रूट आता है वो है श्रीनगर कारगिल लेह वाला रूट। एंड दोस्तों, इस रूट में भी आपको जो है, ये जो रूट है वो वैसे साल में जो है 11 मंथ जो है ओपन रहता है, बिकॉज ये जम्मू कश्मीर का मेन रूट जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवाजाही जो है ज़्यादा मिलती है, ट्रैफिक जो है आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 4 लेन रोड जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि श्रीनगर कारगिल वाला जो है अगर आप रूट करते हैं तो आपके लिए सही है। एंड दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा एडवेंचर चाहिए एंड मल्टीपल वेदर कंडीशन चाहिए तो दोस्तों मेरा टोटली रिकमेंडेशन है कि मनाली जिस्पा सरचू वाला जो ले वाला जो रूट है ये आप ट्राई करिए। एंड एक्चुअल में आपको इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड कई लोग जो हैं इस रूट पे सर्किट भी करते हैं। दोस्तों, सर्किट वर्ड भी आपको सुनने मिला होगा लेह लद्दाख में। एंड दोस्तों, ये जो होता है कि कई लोग जो है श्रीनगर कारगिल ले करते हैं, फिर लेह से सरचू जिस्पा मनाली जो है, इस तरह से पूरा सर्किट जो है, एक जो है पूरा सर्किल जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा भी चाहे तो आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अब कई लोग बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ डेज कितने चाहिए होते हैं, कितने दिन के लिए जो है आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर डेज की कैलकुलेशन की जाए, अगर मनाली से अगर आप रूट स्टार्ट करते हैं, जैसे जो मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने 3 डेज में कंप्लीट किया था लेह तक के लिए। तो 3 डेज मतलब मैंने मनाली से जिस्पा, जिस्पा से सरचू, सरचू से ले। एंड दोस्तों, ले के फिर आसपास जो हैं अगर आप एरियाज घूमने जाते हैं, जैसे पैंगोन लेक अगर आप जाना चाहते हैं, खड़दुंगला जाना चाहते हैं या फिर नुब्रा वैली जाना चाहते हैं, तो इन सभी जगह के लिए जो है आपको अलग अलग जो है फिर डेज जो रखने पड़ेंगे। मतलब अगर आप टोटल नंबर ऑफ डेज देखें तो 3 दिन जाने के लिए, और ले में फिर आप वहाँ से 4 डेज मिनिमम चाहिए आपको वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। एंड दोस्तों, फिर वहाँ से ले से रिटर्न आने के लिए आपको 3 दिन चाहिए या 2 दिन चाहिए, आप इस तरह से कर सकते हैं। तो मिनिमम अगर हम बात करें तो आपको 10-12 डेज जो है मिनिमम प्लानिंग करके ले चलना होता है, जिससे आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस रूट को आप और ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं, बट कॉम्पैक्ट का रिकमेंडेशन मैं नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। के बाद आता है वो है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन जो है प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। अगर आप एडवेंचर ट्रिप कर रहे हैं, अगर आप प्रिपरेशन प्रॉपरली करते हैं तो आपके एडवेंचर जो है इंटरेस्टिंग रहेगा, वरना सफ़र भी बन सकता है, मतलब आप स्ट्रगल भी कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप रेंटेड बाइक लेके जा रहे हैं या फिर आपकी खुद की बाइक है, तो अगर आप खुद की बाइक अगर आप लेके जा रहे हैं तो दोस्तों सर्विस जो है 1 वीक पहले करा लीजिए, प्रॉपरली फुल बॉडी सर्विस जो है करवा लीजिए। एंड दोस्तों, अगर आप रेंटेड बाइक ले रहे हैं तो आप चंडीगढ़ या मनाली से जो है रेंटेड बाइक ले सकते हैं आराम से। जो क्लासिक का कॉस्ट होता है वो 1400-1400 रुपये के आसपास आता है। एंड अगर आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रा या दूसरा मॉडल लेना चाहते हैं तो इसके आसपास जो है मॉडल जो है आपको मिल जाते हैं। मेन जो कॉस्ट रहता है वो 1200-1300-1400 रुपये जो है वो आपको देखने मिलता है पर डे का कॉस्ट होता है। इसमें पेट्रोल जो है इंक्लूडेड नहीं होता, पेट्रोल जो है अलग आता है, वो बजट सेक्शन में जो है हम कवर करेंगे जब अगर आप रेंटेड बाइक ले रहे हैं। तो दोस्तों, इसके साथ में आपको बाइक के कुछ स्पेयर भी जो है कैरी करने होते हैं एंड राइडिंग के कुछ किट भी जो होते हैं वो कैरी करने होते हैं।
दोस्तों प्रिपरेशन की जो चेकलिस्ट है वो थोड़ी लंबी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है डिटेल दे दूंगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें, कौन सी राइडिंग गियर्स आपको कैरी करने हैं, कौन से दोस्तों जो मेडिकल किट्स हैं आपको कैरी करनी है, कौन कौन से एसेंशियल स्पेयर पार्ट्स जो हैं मोटरसाइकिल के वो कैरी करने हैं, वो सारी डिटेल आपको जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। एसेंशियल आइटम जो हैं उसकी चेकलिस्ट जो है मैंने जो कैरी किया हुआ था वो सेम जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिस्ट जो है दिया हुआ है, आपके लिए भी इजी होगा। वैसे लिस्ट लंबी है बट अगर आप जब उसको इकट्ठा करेंगे तो बहुत ही छोटी जगह पे जो है आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या चीज़ें कैरी करने हैं ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों आपके बाइक के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, मतलब उसमें RC हो गया, इंश्योरेंस हो गया एंड POC, ये तीनों चीज़ जो है वैलिड होने चाहिए। एंड दोस्तों उसके बाद आता है आपका ID प्रूफ, मतलब आपका फोटो ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो वोटर ID हो, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो पान कार्ड हो, ये आपके पास जो है होना चाहिए। एंड इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो हैं, फोटो कॉपीज़ जो हैं आप साथ में रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड दोस्तों कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स अगर आप रख लेते हैं या फिर एक छोटा सा मिनी मैप अगर आप रख लेते हैं अगर आपका नेट इन केस वर्क नहीं करता, तो ये भी जो है मेरी तरफ से एक ऑप्शन रहेगा अगर आप डॉक्यूमेंट कुछ कैरी करना चाहते हैं तो। एंड दोस्तों उसके बाद जो है कुछ और इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं छोटी मोटी जो आपको साथ में रख लेनी चाहिए, जैसे कि टॉर्च हो गया या मेमोरी कार्ड हो गया या फिर आपके पास कुछ चार्जर्स हैं, ये सब जो हैं छोटी मोटी चीज़ें हैं, और कैमरा वैमरा हो गए, इसके एसेसरीज हो गए, पावर बैंक हो गए, ये सब चीज़ें अगर आप कैरी करते हैं साथ में तो भी अच्छा रहेगा, बिकॉज़ कई जगह पे आपको लाइट्स नहीं मिलेंगी और अगर आपको वहाँ पे कुछ देखना है तो ये अपने मोबाइल चार्ज करने हैं, फ़ोटो खींचने हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए एसेसरीज जो हैं अपने हिसाब से जो है प्लान कर सकते हैं। एंड दोस्तों अब जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है जिसकी वजह से जो अपना जो प्लान है ना लेह लद्दाख का वो कैंसिल होता है, वो है बजट। अब दोस्तों किस बजट में जो है आप जो है लेह लद्दाख ट्रिप कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि लेह लद्दाख ट्रिप जो है आप 20,000 में भी कर सकते हैं, मतलब आप पूरा जो है लेह लद्दाख एक्सप्लोर भी कर सकते हैं एंड दोस्तों वहाँ से आ भी सकते हैं वापस आराम से 20,000 रुपीज़ के आसपास में, अगर आपकी बाइक खुद की है तो उसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पर डे पड़ जाएगा आपको वो है पेट्रोल, फूड एंड स्टे। अगर हम बात करें कि अगर आपकी खुद की बाइक है तो पेट्रोल का मिनिमम कॉस्ट जो रहने वाला है, क्योंकि एवरेज बाइक उतनी नहीं देती है 350 cc, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे जो है ऑक्सीजन लेवल नहीं होता एंड फुल थ्रोटल पे आप बाइक चला रहे होते हैं, आप फर्स्ट सेकंड गियर में जो है पहाड़ियों पे चढ़ रहे होते हैं, इसके वजह से जो है 25 से 30 के आसपास एवरेज देती है, तो आपका डेली का जो है कम से कम 500 से लेके 700 तक का जो तेल है ना वो जाने वाला है, तो इतना बजट आपको लेके चलना ही है। एंड दोस्तों फूड का जो है 500 टू लेके आप 800 तक का जो है 3 times का जो है वो फूड ले सकते हैं। वैसे तो फूड बहुत सस्ता है, डिपेंड करता है आप कौन सा फूड जो है वहाँ पे खाते हैं, तो ये 500 टू 800 जो है फूड का हो गया। एंड स्टे जो है, स्टे भी यहाँ पे मल्टीपल तरीके से होती हैं, 300 में भी टेंट मिल जाते हैं दोस्तों और 1500 में भी टेंट मिलते हैं, तो आप कौन सा टेंट चूज़ करते हैं वो भी डिपेंड करता है। हम लेट्स सपोज हम एवरेज ले लेते हैं एक चीज़ का, तो हम कहते हैं कि 700 जो है पर स्टे पर पर्सन का जो है अगर लगता है, तो अगर टोटल अगर लें अगर मैक्सिमम कॉस्ट तो 2200 पर डे का होता है। अगर आप इसको 10 days के लिए अगर आप ट्रिप कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपका 22,000 जो है कॉस्ट हो गया। अगर आप रेंटेड बाइक लेते हैं दोस्तों तो उसमें एक कॉस्ट रेंट का जो है वो पर डे का लगता है बाइक का, तो वो 1200-1300-1400 होता है। तो अगर 1300 अप्रॉक्स रेट ले लेते हैं तो दोस्तों फिर आपका कॉस्ट जो है 3500 पर डे हो जाता है पेट्रोल के साथ में, पेट्रोल फूड स्टे के साथ में, तो दोस्तों ये आपका 35,000 तक जाएगा अगर आपने 10 days का अगर प्लान कर रखा है तो। तो दोस्तों इस तरह से जो है बजट जो है बनता है। ये मैंने जो बजट बताया है अगेन याद रखिएगा, मनाली से लेके ले और ले में अगर आप घूम रहे हैं फिर ले से आप रिटर्न आ रहे हैं तो इसका बजट मैंने बताया हुआ है। वहाँ अगर आप कहीं और से बंगाल से आ रहे हैं, केरला से आ रहे हैं या साउथ से कहीं से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो उसका कॉस्ट जो है फिर आपका डिफरेंट और अलग होगा। तो जितने नंबर ऑफ़ डेज आप ऐड करते रहेंगे उतने नंबर ऑफ़ जो है आपका जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है जाता रहेगा। तो आप इसको ट्रिप को शॉर्ट भी कर सकते हैं, इसको लॉन्ग भी कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से बजट जो है प्लान करके आप चल सकते हैं। तो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखिए बुलेट गुरु, ऐसी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने आती रहेंगी। बाय।